Hi guys, welcome back to my channel. My name is Ashish and you're watching the World Traveling Foodie. आज मैं एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट में आया हूँ। बहुत लोगों के कमेंट्स मुझे आए थे इंस्टाग्राम पे कि आप सिर्फ नॉनवेज थाली या फिर नॉनवेज रेस्टोरेंट्स में ही क्यों जाते हो। तो मैंने एक ऐसा रेस्टोरेंट ढूंढ के निकाला है विच इज़ अ लिटिल डिफरेंट। एक बहुत बड़ी थाली है जो ये रेस्टोरेंट सर्व करता है और दैट्स मेजरली राजस्थानी एंड गुजराती स्टाइल मेड थाली, और उस एक थाली में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आई एम वेरी एक्साइटेड टू ट्राई दिस थाली। आई एम नॉट श्योर आई कैन फिनिश इट, बट उसका टेस्ट मुझे ज़रूर ट्राई करना है और देखते हैं कि उस थाली में क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो चलो चलते हैं। वेलकम ड्रिंक कैसा जीरा? वेलकम ड्रिंक जलजीरा। पानीपुरी के पानी जैसा। एक एक करके ये थाली में परोसेंगे, मैं बताता हूँ आपको क्या क्या चीज़ें हैं। सैलेड, पुदीने की चटनी, सैलेड, पुदीने की चटनी, इमली की चटनी और लहसुन की चटनी। ये क्या? ढोकला। ढोकला हाँ सर, राजस्थान। ये जो अपना मिर्ची का पकौड़ा होता है, ड्रीप फ्राई करते हैं, राजस्थानी मिर्ची बड़ी। अच्छा, सार। ये सार। दाल बाटी। दाल बाटी। दाल बाटी चूरमा। थोड़ा और डाल दो। ठीक है, चूरमा। चूरमा इसी के साथ मिक्स करके खाना। हाँ, राजस्थान का जो स्टेपल फूड है दाल बाटी, वो भी है इस डिश में, उसके साथ में चूरमा है। बाकी और डिशेज आने वाली है। भिंडी की सब्जी, भिंडी, पनीर, आलू की सब्जी, वाइट राजस्थानी कढ़ी, गुजराती कढ़ी, ये दाल स्पाइसी, राजस्थानी कढ़ी, गुजराती कढ़ी और ये दाल। स्वीट है सर, राइस फिरनी। राइस फिरनी, कौन हलवा? कौन हलवा, पूरी पूरी पूरी, पापड़ 50 बच्ची 50 ये है वेलकम ड्रिंक, ये है छाछ खाने के साथ। आते हैं तो ये सबसे पहले वेलकम ड्रिंक देते हैं। वेलकम ड्रिंक जलजीरा है, पर जैसे पानीपुरी का पानी होता है ना, उसका फ्लेवर वैसे ही है। शुरू करते हैं। एक जो चीज़ मुझे एक्साइट करती है राजस्थान के क्यूजिन में, वो है ये दाल बाटी। राजस्थान का स्टेपल फूड है। थाली में 4 सब्जियां हैं, एक भिंडी की, एक पनीर की, आलू की है और एक मटर की है। स्टार्ट करते भिंडी की सब्जी से। राजस्थानी स्टाइल में बना है, डिफरेंट फ्रॉम द महाराष्ट्रियन स्टाइल। ये पनीर वाली सब्जी। नॉट स्पाइसी, माइल्ड साइड पे थोड़ा सा। इसके मसाले अच्छे से ब्लेंड हुए। पूरी के ऊपर मन भर के घी, गर्मा गर्म रोटी पे घी डाल के मस्त खाया जाता है। आलू की सब्जी मैंने जब मैं अंबाजी गया था तभी मैंने वहाँ का खाना खाया था। ये सेम वही की टेस्ट है। आलू की सब्ज़ी एकदम प्रॉपर हाथे गाँव में बनती है वैसी है। बोलिए सर, और आपके लिए सब्जी वगैरह? नहीं नहीं, बस थैंक यू। वाइट मटर, इसको ट्राई करता हूँ। एकदम बेसिक मटर जैसी सब्ज़ी बनाते हैं सेम, क्योंकि वो वैसी ही अच्छी लगती है। ये वाली जो कड़ी है, ये राजस्थानी स्टाइल में बनी हुई कड़ी है। वाओ, अमेजिंग। इसको तो मैं खाते खाते पीऊँगा थोड़ी थोड़ी। ये वाली कड़ी है, जो गुजराती स्टाइल करी है। हल्की सी मीठी है तो उसका टेस्ट डिफरेंट है बहुत। ये तीखी वाली दाल है राजस्थानी स्टाइल। गजब खाना खाते खाते चास। The chaas is so refreshing. I think the sweet now is not a good idea. पहले दूसरी चीज़ें ट्राई करता हूँ। ये सार है सार। राजस्थानी स्टाइल मिर्ची वड़े। वाह, मिर्ची वड़े की फिलिंग बहुत सही है। जो शिमला मिर्च है लंबी वाली, उसके अंदर आलू की स्टफिंग है और उसके ऊपर ये बेसन की कोटिंग, उसको डीप फ्राई किया हुआ है। उसके अंदर की स्टफिंग इतनी टेस्टी है ना आलू की, ज़बरदस्त। उसमें लाल मिर्च यूज़ की है, फ्रेश लाल मिर्च। ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। How can a Rajasthani and Gujarati thali be complete without a dhokla? I'm going to try all the three chutneys. Dhokla is so fresh and fluffy. Wow. इस डिश में से एक भी कटोरी कंप्लेंट करने लायक नहीं है। ज़बरदस्त टेस्ट है इसका। What I was excited about was the दाल बाटी चूरमा, और वो बहुत टेस्टी है, इसने मुझे डिसअपॉइंट नहीं किया। एवरी कॉमन मैन राजस्थान में दाल बाटी आता है। दाल बाटी इज़ नथिंग बट वो बाटी जो ये होता है अपना आटा होता है, उसका गोला करके वो आग के ऊपर उसको पकाते हैं और उसके बाद उसको क्रश करके उसके ऊपर दाल डालते हैं और घी डालते हैं। दैट्स द बेसिक थिंग। जैसे अपने महाराष्ट्र में पिठला भाकरी खाते हैं, वो राजस्थान में ये स्टेपल फूड होता है और ये बहुत टेस्टी है। अपने लिए ये फैसिनेटिंग होगा पर वहाँ पे कॉमन आदमी यही खाता है डेली। वाह, रोटियों पे घी, मज़ा आ गया। एकदम राजाओं की तरह ट्रीट कर। आते आते मुझे हाथ धोने के लिए भी उन्होंने एक बाउल लेके आए थे। वार्म वाटर से हाथ धोया मैंने। एक राजा की तरह एक बड़ी सी थाली लगा के उसमें सब फिल कर दिया और इसका टेस्ट गजब है। हर चीज़ में घी है, देसी घी। एवरी 2 मिनट्स, एवरी 5 मिनट्स कोई ना कोई आते रहता है पूछने के लिए कि क्या चाहिए, और वो खाली फिल करते ही जाते हैं। आपको जो चाहिए फिल करते रहते हैं कंटिन्यूसली, अनलिमिटेड थाली है। वेजिटेरियंस की तो मज़ा है। मैं इस थाली का आस्वाद लेता हूँ, थोड़ी देर में आपसे बात करता हूँ कंप्लीट थाली का रिव्यू बताने के लिए। पेट तो फुल हो गया मेरा खा के, अभी भी 2 रोटियाँ बची है। मैं ट्राई कर रहा हूँ अभी ये राइस फिरनी। वेरी प्लेजेंट, एकदम ज़्यादा मीठा नहीं है। वेरी क्रीमी। दिस वन इज़ अ कॉर्न हलवा। वाह, गुजराती मारवाड़ियों को कोई बीट नहीं कर सकता स्वीट डिशेज में। गजब। अभी मुझे समझा इसको नाम ऐसे क्यों दिया है, पंच शाही पकवान। ये डेफिनेटली शाही है। हाँ, मज़ा आ गया, एकदम राजा महाराजा जैसी फीलिंग आ रही है आज। पुराने ज़माने में राजा महाराजा ऐसे ही खाते थे, इतनी सारी डिशेज होती थी खाने में, बहुत सारी वैरायटीज़ एक ही थाली में। मज़ा आ गया। आई होप यू गाइज हैव लाइक दिस। अगर ये ट्राई करना है तो ये है हिंजेवाड़ी एरिया में, जो रोड हिंजेवाड़ी की तरफ जाता है उस मेन रोड पे है ये। इसका डिटेल एड्रेस मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अगर आपको ये थाली पसंद आई है, इफ़ यू लाइक द वीडियो, एक थम्स अप ज़रूर देना, उसको लाइक करना मेरे वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और आप अगर आप नए हो मेरे चैनल पे, सब्सक्रिप्शन की मुझे बहुत ज़रूरत है, सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। एंड अगले वीडियो तक खाते पीते रहो और ऐश करो। तो मैं आपको मिलूँगा अगले वीडियो में।